नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारीख और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब ऑफ सीजन को देखते हुए हम अपने सभी बर्ड को रेस्ट देते हैं, ऑफ सीजन में अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेना बंद करवाते हैं, उस समय काफी बार हम देखते हैं कि कुछ मटकी और कुछ ब्रीडिंग बॉक्स में बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जो कि कुछ 4-5-10 दिन के या सेल्फ नहीं होते, जिनको पेरेंट्स फीडिंग करवाते हैं। इसी में हम सोचते हैं कि भाई इन बच्चों का क्या करें, जब मटकी ब्रीडिंग बॉक्स हटा देंगे तो इन बच्चों को किस तरीके से बर्ड पालेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने कॉकटेल बर्ड के साथ किया है। मेरा एक पेयर कॉकटेल बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहा था और उसने अंडों में से बच्चे निकाले ही थे, कुछ टाइम हुआ था और ऑफ सीजन का समय आ गया, मैंने अपने सभी बर्ड को रेस्ट दे दी। ऐसे में दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा करना क्यों जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा। दोस्तों, ऐसा आप कॉलोनी में नहीं कर सकते, जो सेपरेट केजेस होते हैं जिनमें हम वन बाय वन बर्ड से ब्रीडिंग लेते हैं, उनमें आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक कॉकटेल बर्ड का पेयर है, जिसका मेल है कॉमन क्रीम का और फीमेल है एल्बिनो रेड आइज की। तो ये दोस्तों काफी ही अच्छा पेयर है और अब तक इस पेयर ने मेरे सेटअप पे 15 से 20 बच्चे निकाल दिए। दोस्तों, कुछ कारणवश काफी बच्चे मरे भी हैं और कुछ बच्चे पले भी हैं, तो वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करते हैं कि गर्मी के इस टेम्परेचर को देखते हुए मैंने कॉकटेल बर्ड्स के बच्चों को ब्रीडिंग बॉक्स से निकालकर बाहर एक प्लेट में क्यों रख दिया और इसका क्या रिजल्ट आया, क्या वो पेयर उन बच्चों को बाहर भी फीडिंग करवा रहा है, और अगर मैं इन बच्चों को अगर बाहर नहीं निकालता ब्रीडिंग बॉक्स से तो मुझे क्या नुकसान होता। मुझे नुकसान ये होता कि वो बच्चे मर जाते, ऐसा मेरे साथ में काफी बार हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है वो दोस्तों सर्दियों की ब्रीडिंग के लिए काफी सक्सेस होता है। सर्दियों में उसके अंदर का टेम्परेचर काफी अच्छा रहता है, ऐसे में बच्चे सर्दियों की चपेट में आकर नहीं मरते। मटकी तो यहाँ तक कि काफी बार तेज जब ठंड होती है उस समय ठंडी हो जाती है, और मटकी क्या होता है कि गर्मियों के समय ज्यादा गर्म भी नहीं होती, लेकिन ब्रीडिंग बॉक्स अंदर से काफी गर्म हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, गर्मियों में जो कॉकटेल बर्ड के बच्चे निकलते हैं वो दोस्तों ब्रीडिंग बॉक्स में मर जाते हैं। इससे पहले दोस्तों इस पेयर ने 6 एग ले किए थे, 6 एग में से दोस्तों 4 बच्चे निकले और चारों ही बच्चे कुछ दिन 1-2 दिन पले, उसके बाद धीरे धीरे करके मरने लग गए। पहले एक बच्चा मरा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा मरा, उसके बाद क्या हुआ, आखिरी 2 एग थे उनमें से ये बच्चे और निकले। 2 बच्चे निकलने के बाद मैंने निर्णय लिया कि इस तरीके से फिर ये बच्चे और मर जाएंगे, जबकि मैंने ये भी देखा कि जब बच्चे मरे हुए थे उस समय उनके कोठे में पूरी फीडिंग थी, उनकी क्रॉप में पूरी फीडिंग करवाई हुई थी, मतलब कि वो फीडिंग की वजह से नहीं मरे। ये सवाल अभी काफी भाइयों का है कि बच्चे मर रहे हैं, उनको फीडिंग अच्छी तरीके से बर्ड ने करवा रखी है, फिर भी वो क्यों मर जाते हैं। तो उसका दोस्तों सीधा सा रीजन ये है कि वो गर्मी की वजह से मरे हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होने की वजह से मरे हैं। ऐसे में आज मैं आपको और भी कुछ तरीके बताऊंगा, इससे आप अपने बर्ड के बच्चों को मरने से बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सक्सेसफुल तरीका होता है कि आप उन बच्चों को हैंड फीडिंग पर उठा लें। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, अगर आप कॉकटेल बर्ड के बच्चों को हैंड फीडिंग पर उठा रहे हैं तो बच्चा 7 से 10 दिन से ऊपर हो, उस बच्चे के बड़े होने के पलने के जो चांस है वो 99% हो जाते हैं। वहीं अगर आप 1-2 दिन का बच्चा उठाते हैं, एक बिल्कुल छोटा बच्चा, तो उसके जो है पलने के चांस 60% हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप कोशिश करें कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद ही आप हैंड फीडिंग पर उठाएं। इसके अलावा आप ब्रीडिंग बॉक्स में सुराख भी कर सकते हैं। मैं चाहता तो मैं भी अपने ब्रीडिंग बॉक्स में काफी सारे सुराख ही सुराख कर देता, लेकिन इससे जो है ब्रीडिंग बॉक्स खराब हो जाता, सर्दियों के समय इसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। जबकि दोस्तों ब्रीडिंग बॉक्स का जो डोर है उसके साइड में जो है वो थोड़ी जगह है जहां से ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये 2 बच्चे देखें, इनकी जो एज है, एक बच्चे की एज है 8 से 10 दिन और दूसरे की 6 से 7 दिन। जब मैंने इन बच्चों को बाहर निकाला था उस वक्त ये 3 से 4 दिन के थे और अभी 3-4 दिन हो गए हैं, बट इनको अच्छी तरीके से फीडिंग करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, आपसे भी भाइयों को भी बताया जाए अपने बच्चों को फीडिंग करवा रहे हैं और ये बच्चे जो है बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, अगर हम बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, बार बार अपने बर्ड के पास जाते हैं, बर्ड को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं या सॉफ्ट फूड नहीं देते, ऐसे में बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आके उन बच्चों को मार भी सकता है। दोस्तों, कॉकटेल बर्ड बिल्कुल शांत स्वभाव के बर्ड होते हैं,
बिल्कुल सीधे बर्ड होते हैं और ज्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और इन बर्ड को ज्यादा हमें प्राइवेसी में रखना चाहिए। ये बर्ड वैसे फ्रेंडली भी होते हैं, अगर हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, अच्छी तरीके से इनको रखते हैं, सॉफ्ट फूड सीड मिक्स खिलाते हैं, ऐसे में फ्रेंडली भी हो जाते हैं, हाथों पर आने लगते हैं, सॉफ्ट फूड सीड मिक्स हाथों पर आकर भी खाने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं, विजलिंग करने लगते हैं, यहाँ तक कि मेरा एक कॉकटेल बर्ड मिट्टू की आवाज भी निकालता है। मिट्टू बोलता है, और दोस्तों बच्चों को बाहर रखने के बाद आपको करना ये है कि पिंजरे के चारों तरफ आपको जो है वो जो मैंने आपको चौक बताई लक्ष्मण रेखा, जो कि मैंने काफी बार आपको पहले बता रखी है कि चींटियों से बचाने के लिए चौक करनी चाहिए, वो आप कर दें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि काफी बार चांस रहता है कि चींटियां उन बच्चों को मार दें, तो ऐसा आप ना करें। तो आप चींटियों को भगाने वाली चौक जरूर लगा लें। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? इसके अलावा बात रही अगर कॉलोनी है, कॉलोनी में अगर बच्चे हैं और उनको दोस्तों बचाना है, उन बच्चों को भी दोस्तों अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं फर्श के ऊपर, ऐसे में दूसरे बर्ड उन्हें मार देंगे, ऐसे में उन बच्चों को आप हैंड फीडिंग पर उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके होते हैं छोटे बच्चों को बचाने के। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ढेर सारे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फायदा मिले। दोस्तों हमेशा आप जानते हैं कि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है और मुझे लगता है कि इसे काफी भाइयों तक पहुंचाने की जरूरत है, तभी मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करें।